दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही एक और मामला सामने आया है, जहां पांडव नगर में क्राइम ब्रांच ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ने मृतक के शरीर को टुकड़ों में काटकर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था और रोज गुपचुप तरीके से पास के मैदान में एक टुकड़ा फेंकाते थे। अवैध संबंध के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कत्ल की इस खौफनाक वारदात को पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले में महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के अलावा फ्रिज भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को कुछ महीने पहले पूर्वी इलाके के पांडव नगर से कुछ मानव अंग मिले थे। इस मामले की तहकीकात के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तो एक महिला और युवक संदिग्ध अवस्था में मैदान के पास दिखाई दिए। पुलिस ने छानबीन कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने सच उगल दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध संबंधों की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अंजन दास के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, इससे उसके घर में झगड़ा होता रहता था। इसी बीच एक दिन पत्नी और बेटे ने मिलकर अंजन दास को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, तो ये कब से रहते थे आपके यहाँ पे? अच्छा, क्या कब से रह रहे थे ये? क्या 5 साल से रहते? कभी लड़ाई उड़ाई होती है? इधर देखिए, सामने देखिए, सामने सामने। पर अभी लोगों को काफी आश्चर्य है, पता ही बड़े अंजाम ठीक इनके ऊपर दिया गया घर के सामने, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं हुआ। माइक टर्न करो। पत्नी और बेटे ने मिलकर अभी ही बताया और पति पुलिस आई थी, लड़के भगा दिया गया था। किसी ने बताया कि सूद नहीं कहां पे वो गए, क्या कुछ हुआ, लेकिन भगाने के बाद वापस आए और कब चले गए, देख के चले दिया गया। ये किसी को कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? जी तो वो बच्चे, उनकी दो लड़कियां और लड़का था। तो ये जो अंजन दास थे, ये कब से गायब थे, कब से आप उनको मिले? 8-9 महीने हो गए चले। क्या बोला था कि कहाँ गए हैं? ये नहीं बताया सर, लेकिन हमने पूछा कहाँ गए, ये हमें नहीं पता, कब इन्हें बुलाया, कब क्या किया, कुछ हमने कुछ नहीं पता ही। वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर अब दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की जानकारी साझा की है। नगर का जिसको सॉल्व किया है, इसमें बेसिकली जो शुरुआत ऐसे हुई थी, 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, दो थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई, पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UID भी बॉडी थी उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी, इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रूसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश भरद्वाल और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ, जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज हुई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए, और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से सॉरी मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली, और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया इनकी इन्होंने क्राइम किया है, और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है।
तो इसमें जो इनके इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसका इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे, 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी, तो दीपक की शादी हो गई थी फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे, और अभी भी कुछ कमाई का साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था, तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे। और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है, तो उस बेस पे इनका इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में। जनदास नाम का जो व्यक्ति है ये काफ़ी दिन से मिसिंग है, इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था, तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए, साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है अंजन दास का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव संवाददाता लाइव हैं। राजीव, श्रद्धा मर्डर केस की तरह एक और खौफनाक वारदात हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए यहाँ पर बात करें श्रद्धा मर्डर केस की, तो अभी श्रद्धा मर्डर केस की जो पूरी तरीके से गुत्थी जो है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुली है, मगर यहाँ पर आप दूसरा मामला जो है वो श्रद्धा मर्डर जैसा ही बिल्कुल सामने आया है। यहाँ पर बात करें पांडव नगर की, दिल्ली के पांडव नगर के इलाके के अंदर रामलीला ग्राउंड की, तो वहां पर मानव शरीर के जो टुकड़े हैं वो मिले हैं, और लगातार दिल्ली पुलिस जो है इन टुकड़ों को लेकर पिछले 6 महीने से कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही थी, मगर इसकी जो गुत्थी थी वो अभी तक सुलझी नहीं थी। मगर यहाँ पर बात जिस तरीके से कैसे जो मानव अंग के जो टुकड़े मिले हैं वो अब बताए जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि ये इन टुकड़ों को फेंकने के लिए जो महिला और जो पुरुष जो कैसे सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो माँ बेटे बताए जा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने अब इस केस का खुलासा करने की बिल्कुल कोशिश की, और यहां तक कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये दोनों माँ बेटे हैं, और जिस व्यक्ति की अंजन दास की बात करें तो अंजन दास जो है वो इन दोनों का यानी कि महिला का जो पुरुष हस्बैंड बताया जा रहा है, और जो पुरुष है साथ में दीपक नाम का उसका कहता है पिता बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें मानव जिस तरीके से टुकड़े किए गए हैं या फिर कहें उनको मौत के घाट उतारा गया है, मगर कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर अभी कुछ और पेज जरूर खुलने वाली बाकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से महिला के हस्बैंड की, तो महिला के हस्बैंड जो है वो अंजन दास थे, और उनकी हत्या क्यों की गई ये जरूर पुलिस अभी उनसे पूछताछ करेगी, मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अंजन श्रद्धा जैसे मर्डर केस को अभी सॉल्व नहीं हुआ दूसरा मर्डर केस जो है वो सामने आ चुका है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से मानव अंग के टुकड़े किए गए और उनको फेंकने के बाद में उनको ठिकाने लगाया गया, 6 महीने हो गए दिल्ली पुलिस को इस केस के अंदर जांच करते हुए, मगर 6 महीने बाद अब इसका खुलासा जरूर होता हुआ नजर आया है। जी फिलहाल इस वारदात के पीछे का मेन मकसद और कारण क्या निकल कर आया है पुलिस जांच के अनुसार अभी तक? देखिए इस केस की बात करें तो जिस तरीके से पांडव नगर इलाके के अंदर लगभग कैसे मानव अंग के जो टुकड़े मिले हैं और जिनको रामलीला ग्राउंड के अंदर फेंका गया था, अभी पुलिस की तरफ से पूरा केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ इतना जरूर बताया गया है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है यानी अंजन दास की जो हत्या की गई है वो उनकी वाइफ और उनके बेटे के द्वारा की गई है, और उनको जो ठिकाने यानी कि उनके जो शरीर के टुकड़े हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए माँ बेटे ने दोनों ने ही इसका अंजाम दिया है, मगर अभी तक गुत्थी जो है अभी भी पूरी तरीके से नहीं सुलझी है, क्योंकि
जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये लोग जो अंजन दास है वो कहीं ना कहीं अपने कैसे दीपक जो नाम के उसके जो दीपक नाम का जो बेटा है उसका उसकी वाइफ को पर बुरी नजर रखता था, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। मगर अभी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से पूछताछ अभी भी बाकी है, और पुलिस जो है कैसे पूनम से बात करें या फिर दीपक से बात करें अभी भी पूरी तरीके से केस को सॉल्व करने की। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राजीव। इतनी बड़ी घटना हो जाती, कोई नहीं पता लगा अभी तक। और इस तरह की घटना पिछले महीनों से लगातार सुनने में आ रहा है? नहीं, हमें तो आज ही पता लगा। नहीं, इससे पहले वो सपा वाली वो तो दो फिर मध्य प्रदेश की एक घटना सामने आई थी। हाँ, और हर जगह हर कोई कह रहा है कि हमें कुछ पता नहीं था। किसी को कुछ पता ही नहीं है ना, किसी को कुछ पता नहीं लगा, इस गली वालों को नहीं पता लगा। एक महिला अभी आपने देखा भागती हुई जा रही थी, वो कह रही है कि सबको सब पता था, सब चुप था, बस पता नहीं इतना तो।